तो समझ जाना चाहिए कि लोहे की मार बहुत सस्ती पड़ने वाली है। यार फ्रेंकली स्पीकिंग समीर, तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी होती है। एक्शन होता है, ड्रामा होता है, लव इमोशन सब होता है, बट वो फिनिशिंग टच नहीं आता यार। यार फाइनल पंच, ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, कोई क्रैक मोमेंट लाना है, एक हाई पॉइंट। अरे यार सर, इतना तो बजट होता है आपकी पिक्चर का, जेब से थोड़े पैसे डाल दूं तो इंस्टॉलमेंट पे नैनो खरीद लूं मैं। इसलिए तो कह रहा हूं सर, कुछ सिंबॉलिक करते हैं, छोटे बजट में बड़ी पिक्चर। क्या बोल रहे है सर, ये 8 फिल्म की बात कर रहा है सर। ओए फिल्म स्कूल, 8 फिल्म नहीं 5 फिल्म होती है। अरे मेरे को नहीं पढ़ना है सबके चक्करों में, जनता कुछ स्पाइसी चाहिए यार, समथिंग चिल्ली सर। हाँ तो सर मैं डालूंगा ना सर, मैं चिल्ली डालूंगा सर, अचार भी डालूंगा, और सर दही, और सर लस्सी, सर मसाला मीठा सब कुछ डाला, और हो गई लाइफ झींगा लाला सर। क्या बात कर रहे, कड़क है क्या? अरे सर इतनी कड़क है, इतनी कड़क है सर, सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, चल सुना। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। आज से सैकड़ों साल पहले एक सुहानी सुबह पंछियों की चहचहाहट। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ। क्यों? अरे बिजी हूँ यार, नहीं आ सकता। क्या क्या हुआ? अरे तुमको मना करो ना। हाँ हाँ कर दो। अरे बिल्डिंग सेक्रेटरी से बात कर लूँगा। हाँ हाँ मैं बात कर लूँगा। कुछ नहीं यार, बस वो थोड़ा अपार्टमेंट इश्यूज। हाँ तो सर मैं कह रहा था कि एक सुहानी शाम। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि सुबह थी, अभी शाम कैसे हुई है? अब सर आपने बीच में रोक के टाइम वेस्ट जो कर दिया है। अब सर आगे कंटिन्यू करने दो, वरना शाम की रात हो जाएगी और स्टोरी का एक दिन वेस्ट हो जाएगा। प्लीज सर लेट मी कंटिन्यू। फोन साइलेंट पे डाल दीजिए। और तुम सब, ओ भाई हेलो, ऑडियंस चमकता है कि नहीं? राइटर ने ये सीन इसलिए डाला है कि आप सब भी अपने फोन साइलेंट पे डाल दीजिए, तो प्लीज डू द ऑनर्स। ओके ओके आगे बोलो। हाँ तो कहानी है उस दौर की, जब देश के दामन को सरहदों की कीलों से चीरा नहीं गया था, जब इस देश में सरकारें नहीं सल्तनतें हुआ करती थी, एक दूसरे के दामन को चीरती ये सल्तनतें कभी खुद को तो कभी किसी और को नेस्तनाबूत करने की साजिश में लगी रहती थी, जब भारत की धरती इतना सोना उगलती थी कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस चिड़िया का सरताज था सुनारगढ़। एक जमाने में बंजर रहने वाली इस जगह को अपना नाम यहां के प्रतापी राजा राजा लोहार सिंह के राज में मिला। किससे कहानियों में सुना है कि सुनारगढ़ का शाही खजाना इतना अनमोल था कि उसके चर्चे सारे जहान में थे। सोने की सुगंध फैलते ज्यादा देर कहां लगती है? व्यापारियों के भेस में आए सियासी चील कौए सुनारगढ़ के चारों ओर मंडराने लगे। जहां एक और भेड़ियों की फौज अपनी तलवारें तेज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजा लोहार सिंह अपनी प्रजा को बचाने के लिए हर बार अपने सीने पर लेने को तैयार थे। दुश्मन ज्यादा थे, वक्त कम था, सही फैसला ना लिया तो मौत पक्की थी। जंग के जख्मों का मरहम किसी बाजार में नहीं मिलता। इन्हीं जख्मों से बचाने के लिए राजा लोहार सिंह ने अपनी प्रजा को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी, मौत को भी ऐसे गले लगाते हैं कि मानो मौत ना हुई, कोई बिछड़ी हुई माशूका हो गई। देखते ही बाहें फैला ली, युद्ध हुआ, धुआंधार युद्ध हुआ, तलवारें चली, खून बहा, और जंग के बादलों तले सुनारगढ़ की जमीन को महीनों तक सूरज की एक किरण भी नसीब ना हुई। बादल छटे, लोगों की वापसी हुई, पर ना तो वहां राजा लोहार सिंह मिले, ना ही उनके दुश्मन। खजाने की भी कोई खबर नहीं थी, पर ये कहानी उस खजाने की नहीं है, ये कहानी है उसकी। अरे यहाँ क्या देख रहे हो? उधर देखो, अरे अरे उधर देखो वहां, अरे भाई कैमरा घुमाना भाई, अरे और आप, अरे अरे नजरें घुमाओ सब, अरे लाइट्स ऑन करो भाई। कोई पेड़ से गिरते सूखे पत्तों की तरह सुनारगढ़ भी टूट कर बिखरा तो सही, पर वक्त की बारिश से वहां नई कलियां खिलते देर ना लगी। आज भी कहते हैं कि वो खजाना यही कहीं दफना हुआ है, और राजा लोहार सिंह आज भी उसकी रक्षा करते हैं।
चार, पांच, ग्यारह, तेरह और तांसा प्रस्तुत करते हैं। बजने में पांच मिनट। पांच मिनट में बिजली आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो सही मायने में समय कोई वस्तु नहीं जिसे नापा जा सके। अरे जब कुछ नहीं था तब समय था, आज इतना सब कुछ है तब भी समय है, और कल जब फिर कुछ नहीं होगा तब भी समय ही होगा। जिसकी कोई शुरुआत या अंत ही नहीं उसे नाप कैसे सकते हैं। ये तो मनुष्य की नादानी है जो समय की ताकत को नकारते हुए खुद को श्रेष्ठ घोषित करने की चाल चल रहा है। इसीलिए कभी कभी मैं इस विडंबना में पड़ जाता हूँ कि आपके पूछने से पहले तो मुझे पता था कि समय क्या है, पर अब जो आपने पूछ लिया तो मुझे भी नहीं पता कि समय क्या है। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आ। अबे वेदव्यास, रामायण ना शुरू करो। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, वेदव्यास जी ने तो चुप 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 बनाओ नहीं रामायण भी। गुस्सा सारी 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 गुस्सा हो जाते हैं जल्दी हैं सारी। मनुष्य को क्रोध क्यों आता है जब उसकी अपनी इंद्रियों पर कभी काबू नहीं है। चुप चुप मेला शुरू करो। बिजली आ गई भाई, भागो भागो भाई। पहले मिठाई खा लेते हैं। अरे चलो पहले पहले झूला झूल लेते हैं। नहीं नहीं थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं। हमारी सास अरे हमारी सास को भी मेला देखना था। अरे वो देखो रे मंदिर को देखो कितना अच्छा सजाया है। बारे अम्मे अरे चुप हो जाओ अर्जुन भैया कुछ बोलने वाले हैं। सुनारगढ़ के वासियों, आज नवरात्रों का पहला दिन है और आप सभी का इस भव्य मेले में स्वागत है। तो आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक इस पूजा में सम्मिलित हों। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय जमींदार जी भी हैं। मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और आप सभी के लिए जमींदार साहब की ओर से एक खास प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। करने वाले हैं ये लोग। लड़कियाँ दिख रही हैं बहुत सारी। अरे जमींदार जी हैं तो बड़े नेक वैसे। कभी कभी विश्व विनोदिनी नंदिनुजे गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासे
मैं ही नहीं, हम सभी चाहेंगे कि आदरणीय जमींदार जी कुछ शुभ कहें और इस अवसर की शोभा बढ़ाएं। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज माता के आशीर्वाद से हम इस गांव के सुनहरे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवी माता ने हम पर भरोसा किया, आप सब ने हम पर भरोसा किया, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अगर आपका साथ यूं ही बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सुनारगढ़ अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस जीत लेगा। जिस तरह राजा लोहार सिंह के राज में समाज में खुशहाली थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, उसी प्रकार अब में बिजली होगी, पानी होगा, खुशियां होंगी। किसी गांववासी को रोजगार की तलाश में शहर जाकर मजदूरी की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। यह है मेरा सपना। अगर आप भी इसे सच होता देखना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए। जय माता दी। देखा भाइयों, स्वयं देवी माँ का आशीर्वाद है जो हमें जमींदार जी जैसे नेक इंसान मिले हैं, ऐसे इंसान जो सुनारगढ़ के विकास की बात करते हैं। अगर आप सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस निर्माण योजना का समर्थन कीजिए और प्रगति का हिस्सा बनिए, क्योंकि जब तक गांव का एक एक बाशिंदा इस योजना का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक ये सपना सपना ही रहेगा। तो बोलो जमींदार बाबू की जय, बोलो साचे दरबार की जय। तो ये था सुनारगढ़, एक जमाने में राजा लोहार सिंह की राजधानी, जो आज भी इस मेले के लिए जानी जाती है। गांव की धरोहर को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे मेला सभी गांव वालों के लिए आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। कैमरामैन ढीलो के साथ मैं गुंजनवालिया, सुनारगढ़ से आपकी आवाज। टेक ओके था ना? परफेक्ट। क्या परफेक्ट यार, एक तो ये गर्मी, ऊपर से स्टूपिड से गांव का मेला कवर कर। ओह गॉड, ये धूल, ये शोर, ये फोन का नेटवर्क भी अभी जाना था। अरे मैडम छोड़ो ना, आप भी हफ्ते का टारगेट है, नहीं हुआ तो शर्मा चिल्लाएगा वहाँ। जल्दी से खत्म करते हैं और निकलते हैं। क्या छोड़ू यार ढीलू, दिमाग खराब हो गया ये सब फालतू काम करते करते। This is not journalism, man. Travel agent बना करके रख दिया मुझे। मेला कवर करो, गांव में रहो। Rural India, real India. My foot. कुछ पूछना भी है तो किससे पूछूं? गवार सबके सब। क्या बात है मित्र? अच्छा टीवी पे आ रहे हैं। Excuse me. Hello. भाई साहब, ये जमींदार जी कहाँ हैं और कब तक आएंगे? जी आने वाले हैं तो आ ही जाएंगे। हैं? वैसे ध्यान दिया जाए तो आपका सवाल खुद में ही एक विडंबना है। कौन कब कहाँ था और कब कहाँ आएगा, ये आज तक कौन जान पाया है? आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, बीच में तो बस ये संसार ही रह जाएगा। पर फिर भी यदि आप विज्ञान के समर्थक हैं तो गौर करिए कि एक महान वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि मैं आपको ये बता दूं कि वो कहाँ है
तो मैं ये नहीं जानता कि वो कब यहाँ आएंगे, और अगर मैं ये बता दूँ कि वो कब तक आएंगे तो मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि वो कहाँ है। इसीलिए आपका प्रश्न अपने आप में ही एक पहेली है। जिंदगी कैसी है पहेली। मिस्टर धर्मवीर जी, हेलो, मैं गुंजन वालिया आपकी आवाज से, और ये मेरा कैमरामैन ढीलू, हम लोग यहाँ गांव का मेला कवर करने आए हैं फॉर अ लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल। जी जी, बैठ के बात करें। जी चलिए अंदर बैठते हैं। अब बैठने बिठाने का समय जा चुका है, बात अब हमारे पुरखों की जमीन की है मुखिया जी। अरे पर क्या फायदा है जमीन का, बंजर होने को आई जमीन का ही दे पाई है तुम। हाँ, अगर ये मेला ना होता तो गांव वाले सब भूखे मर रहे होते हैं। यो तो भला हो अर्जुन का कि मेले का ऐसा आयोजन किया जिससे हमारी रोटी पानी चल रही है अब तक। चोखी बात से भैया, इस जमीन के सहारे बैठे रहे तो हो लिया काम। एक बात कान में धर लो, यो योजना गाँव का भला ही चाहे, और वैसे भी दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। दिन में 3 घंटे बिजली आए, पानी के लिए 10 कोस दूर जाना पड़े, और यो कच्ची सड़क जो कीचड़ बन के गंदगी फैले, बीमारी फैले सो अलग। अब अर्जुन भैया कुछ अच्छा करन जा रहे हैं तो मैं तो सोच का है रहे, उन पर इतना भरोसा तो हम कर ही सके कि वो जो करेंगे गांव के प्रगति के लिए करेंगे। अरे क्या मतलब जो करेंगे अच्छा करेंगे। अर्जुन की काबिलियत पे शक ना करो तुम। मौसी तुम तो ना ही बोलो। अरे अरे शांत हो जाओ भाई साहब, ऐसे तो किसी बात का हल नहीं निकलेगा, हर किसी को बोलने का अवसर मिलेगा। अरे रामदयाल तुम्हारा क्या विचार है? अरे ईका बोलेगा। अरे काहे नहीं बोलेगा, बोल रहे रामदयाल, का विचार है तेरे इस बात पर? बाबूजी मैंने तो कुछ ना भेरा, आपकी जैसी सूझ वैसा हम करने को तैयार हो जावे। हमारी जमीन तो चरासी की उपजाऊ भी हो तो बच्चन का पेट ना पाल सके, हमारा घर तो आप ही का मोहताज है। देखो रामदयाल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गांव हम सभी का है और हम सभी इस योजना का हिस्सा होंगे, क्योंकि जब तक हम सभी अपने गांव की पूरी जमीन बेचने का फैसला नहीं लेंगे तब तक ये योजना पूरी नहीं हो पाएगी। अब सोचना ये है कि क्या ये योजना वाकई हमारे उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। काहे नहीं उतरेगी मुखिया जी? ना काहे नहीं उतरेगी? ना हमें नहीं लगता। अरे प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यास कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। इस योजना के अंतर्गत गांव में जो मिल लगेगी उसे वक्त बेवक्त बिजली नहीं कटेगी और पानी की सुविधा भी हो जाएगी। हाँ बेकारी से तंग आकर जो लोगन शहर जावे हैं ना वो वहीं पिसते रह जाए हैं। अरे मिल लगेगी तो गांव में रोजगार बढ़ेगा, पहले तो मिल बनाने का काम और फिर मिल में मजदूरी। एरी मिठिया तेरा मरद भी तो कब से बेकार पड़ा है रे, कुछ काहे नहीं बोलती तू? और जमीन के दाम का कहा? जो दाम जमींदार दे रहे हैं हमें अपने जमीन के लिए, उतना तो जीवन भर भी खेती करके ना वसूल पाए हम। अरे छोड़ो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो तुम लोग, पर युधिष्ठिर को भी कहा पता था कि कब चौसर का खेल पलट जाओगा। रे चचा कुछ समझाओ इनका, सब मुंह में दही जमा कर बैठे रहो, जब सारा गांव हाथ से निकल जाओगा ना तो ताली पीटते रहना उस जमींदार के सामने। हमने तो फैसला कर लिया, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। लीजिए ठीक है, आप बेहिचक अपना काम कीजिए, आपको कुछ भी चाहिए हो तो। अर्जुन जी इधर आओ, ये है अर्जुन, इस गांव के बारे में सब कुछ जानता है ये, अर्जुन आपको सारा गांव दिखा देगा। जी जमींदार जी। ठीक इस तरफ आइए। तो अर्जुन बताओ क्या है तुम्हारे गांव में देखने लायक? आई मीन इज इट इवन वर्थ आवर टाइम? ऑफ कोर्स मैडम, हमारा गांव बहुत सी जगहों के लिए प्रसिद्ध है। ओह सो यू इंग्लिश? जी हाँ, थोड़ी कमजोर है पर मैं भी अंग्रेजी समझता हूँ। नाइस। ओह एक्चुअली हम अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गांव की खास चीजें कवर करनी है ना, चलिए दिखाता हूँ आपको अपना गांव। शहर जितना विकसित तो नहीं है लेकिन आप शहर वालों जैसा ही खूबसूरत है ये मेरा गांव। अच्छा बातें तो बहुत मीठी करते हो तुम। वैसे अर्जुन एक बात बताओ, इस मेले का सारा आयोजन करता कौन है? इस मेले से हमारा गांव आर्थिक रूप से स्थिर तो हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमारे लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं है। इसीलिए तो मुखिया जी
जमींदार को हम सभी अपनी अपनी जमीन बेच ही देते हैं, पैसा तो आएगा ही, स्थायी व्यवसाय का भी आश्वासन मिलेगा। अरे और जमीन का आश्वासन? जमीन भी तो हमारी है, उसका आश्वासन कौन दिलाएगा? ऐसी बाप दादाओं की जमीन किसी के हाथ फेंककर नौकर बन जाएगा उसके? अरे व्यवसाय का क्या है, कल को ना हो तो कम से कम अपना खेत जोतकर पेट तो भर सके। लो कर लो बात, यो खेत पेट भरन लायक होते तो ई योजना पर विचार करने की जरूरत थी का? हाँ, अपना वही जो आए काम, इतने सालों से खाद डालकर कोशिश कर रहे हो, तनिक भी असर हुआ तो बताओ? कब तक खाद डाल डाल कर कोशिश करते रहोगे रे गिरधर? रुको गिरधर, एक बात हम शायद भूल रहे हैं, खेती बंद हो जाने से गांव का पशुधन निरर्थक हो जाएगा। अरे मवेशियों का चारा बंद हो जाने से गांव में दूध दही भी बनना बंद हो जाएगा। और मुखिया जी, जो गौ का गोबर ना होए तो घर में चूल्हा जलाने के लिए उपले कहां से आए, खाद भी ना बन पाए, ये सब के बारे में कौन सोचेगा? सोचा तो बहुत था, लेकिन इस गांव और यहां के लोगों से एक लगाव सा हो गया। बचपन से ही पुजारी जी की छत्र छाया में पला बड़ा, एक अनाथ होते हुए भी इन गांव वालों ने कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। और शहर जाकर करता भी क्या, नौकरी करते हो और क्या, वैसे भी यहाँ क्या ही करते हो। इन लोगों की मदद करने में जो सुख है वो शहर की नौकरी में नहीं। हाँ ये देखिए, ये है हमारे गांव का प्राचीन देवी मंदिर। वाओ, देवी माँ का आशीर्वाद लेने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्जुन, अरे अर्जुन बेटा इधर तो आ। हाँ हाँ जीता रहे, नमस्ते। नमस्ते, वो मेरी चाची की छोटी ननद की तीसरी बेटी है ना, वो जो पिछले साल आई थी मेले में, उसके ब्याह की बात चल रही है, बोल तो बात करूं। क्या बात है, क्या काकी, अभी आप फिर से ये सब सुन। अब हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, एक बार मिल तो ले, वैसे भी शादी की उम्र हो गई तेरी, पूरे गांव की चिंता करता फिरता है, अब हम तेरे बारे में सोच लेंगे तो क्या पहाड़ गिर जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार निर्माण योजना शुरू हो जाए फिर आप जिससे मिलने को बोलेंगी उससे मिल लूंगा। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई, तूने तो पहले उस निर्माण योजना से ब्याह कर रखा है, मेरी मति मारी गई थी। काकी आप क्यों, देख ले मैं तो बस बोल ही सकती हूँ, तेरे जैसा छोरा पूरे 50 गाँव में नहीं है, कहे तो अभी कतार लगा दूं। वैसे ये वाली भी काकी बड़ी धूम होगी और पूरा सुनारगढ़ नाचेगा जब मेरा अर्जुन घोड़ी चढ़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए, खाका घर आने वाले होंगे। हाँ हाँ, राम राम। हाँ। तुम तो बड़े फेमस हो यार गांव में। अरे ये सब तो बस ऐसे। Oh my God, look at you blushing, हाँ? वैसे ये निर्माण योजना बोलते रहते हैं सब, ये है क्या? इसने यही बताएगा क्या किया तुमने, ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ, इसने मेरी और मेरी तपस्या की ढंग की है, और इसकी सुअर जैसी शक्ल देखकर तो मारी क्रूज भी डर। मारी क्रूज क्या हुआ, मारी क्रूज को, मारी क्रूज, अरे जल्दी कोई पानी लाओ, पानी जल्दी, अबे सुअर क्या खड़ा क्या, देखना पानी ला, पानी भर मारी क्रूज, अरे अरे ये लीजिए पानी, पानी बहुत पैसे का शुक्र है आप, शांति मिली है। और मारी क्रूज, अरे कुछ नहीं, सो रहा है बेचारा, बहुत थक गया था। बाबा इधर आओ, पता है कितनी लाल है आंखें अभी, गला सूख रहा है, और ये चिलम, बहुत हो गया। आप इन पर्यटकों को बताइए कि आप कोई साधु संत महात्मा नहीं है, और आपने इनसे जो कुछ भी पैसे वगैरह कुछ भी लिया ना, सब वापस कीजिए। कीजिए आप नहीं बोलेंगे है ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूं, हटिए। हेलो दिस नो साधु फ्रॉम ठेक, रियल लाइफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नो स्पिरिचुअल, नो इंडियन, अरे डोंट स्मोक हियर, अरे कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? गुंजन जी आप बोलिए ना, पहले तो मुझे जी बोलना बंद करो।
Do you people understand English? No English. रहने दो, मैं बात करता हूँ। Hijo de puta, un destres senores, harappa mohenjo-daro, baba india, muy grande, estupendo, bueno, bueno. हाँ सही है, अब इन्हें बताइए कि आप कौन हैं और इन्हें जाने दीजिए ताकि ये सब मेला देख सकें। चकरान मकरान मरिगुआना डमरान परफेक्ट पिरामिडेस तुमरान रियाना इसाबेला वामोस वामोस हरे रामा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये सब क्या था? अरे छोड़िए, वो गांव के पुजारी जी के बड़े भाई हैं, पूरा दिन यही सब चलता है इनका, पता नहीं खुद को कोई तो ज्ञानी साधु समझने लग गए हैं। ओह अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, आपने कुछ सवाल पूछा था ना? हाँ, निर्माण योजना, ये था मेरा सवाल। ये गिरधर तो चिकना घड़ा हो गया है। अरे रहने दो मौसी, ना मेरे को जवाब तुझसे ज्यादा देखी है मैंने, ये बाल धूप में। अरे मौसी रहने दो। अरे भाई झगड़ते रहोगे कि और किसी को बोलने का अवसर भी दोगे? हाँ भैया, रामदयाल जैसे कितने ही कृषि मजदूर भी यहाँ बैठे है, उनसे कहे नहीं पूछते कुछ? सही कहा नेताई रामदयाल, अब की बार तो तुमको भी बोलना पड़ेगा। हाँ रे, के हुआ साफ सुन गया के? बोलो रामदयाल, यही समय है कुछ बोलने का। महासभा से पूर्व सारी शंका और विचारों पर विमर्श हो जाए तो ही अच्छा है। मुखिया बाबू, हम अमागे ठहरे गांव की निर्मल जात, न हमारा पशुधन न व्यवसाय, माचिस की तीली समान कुटिया में सारा जीवन काट रहे, शर्मिंदगी और मजबूरी में जीने वाला, आखिर हम गांवन के लिए का ही फैसला ले पाएंगे? गांव के कृषि मजदूर का यही हाल है, अब तुम इनका जमीन भी छीन लोगे का? अरे छीन कौन रहा है, ये यो योजना समझाना तो मानो अंधे को आईना दिखाना है। हे राम, ना जाने का होगा महासभा में। बात जात पात पर ना आए, इसलिए एक बात साफ कर देता हूँ कि शूद्र हो या ब्राह्मण, हर योग्य गांव वासी को मिल में बराबर से काम मिलेगा। अरे उससे पहले ये सोचिए कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, जी जमींदार भी कोनो निजी लाभ उठा रहा होगा ना ये योजना से। अरे रामदयाल जैसे को ही देख लो, कहा चाहते हो कल को हम भी इसकी तरह त्रस्त हो जाए जीवन से? ए रामदयाल, अब तुम्हें परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जमीन की भी अब हम ही रक्षा करेंगे, कौन जाने जमींदार की नियत कब डोल जावे। अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई का, का बोलदारों के बारे में है? अरे सब जानते हैं जमींदार साहब ने गांवन के लोगों के लिए फरिश्ता साबित हुए हैं। और ये का सभ्यता का ढोल पीटे जा रहे हो, संस्कार परंपरा किसी का पेट ना भर सके। घणी आई पुरखों की जमीन, न पानी न उपज, सदियों से खाद भी कोई काम ना आई, ऐसी जमीन छाती पत्थर के ले जाओगे का? अरे बन सके तो वो भी करेंगे, जैसी भी है तो अपनी जमीन। बंजर जमीन एक बोझ की तरह होती है गिरधर जी। अरे अर्जुन बेटा आ गए तुम, जितना पास रखेंगे आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा, इस योजना का मकसद है विकास और बदलाव। आओ अर्जुन बेटा, हम अभी यही विचार कर रहे थे। अरे समझाओ तुम इन्हें, हर सभा में वही रोना, अरे कोई तो नया तर्क लाओ। तनिक रुकिए सुभाष जी, अर्जुन बेटा ये कौन है? पत्रकार है मुखिया जी, शहर से आई है, गाँव का मेला अपनी पत्रिका से प्रचारित करना चाहती है, तो इन्हें हमारा गाँव दिखा रहा हूँ। नमस्ते मुखिया जी, मैं गुंजन। और मैं ढीलू। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम आपकी सभा में रह सकते हैं? आई प्रॉमिस आपको डिस्टर्ब नहीं, आई मीन बाधा नहीं बनेंगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। अरे भैया उन्हें छोड़ो और ये सोचो कि महासभा में अब क्या करना है। अर्जुन बेटा तुम बोलो और सब कान खड़ी करी लो। हाँ सुन रहे हो ना गिरधर? अरे हाँ देखिए गिरधर जी, आपका कहना गलत नहीं है कि हमें बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन गांव की चलती हालत को देखते हुए मेरा ये विश्वास है कि निर्माण। अरे का हुई रहा है यहाँ, चाचर चाचर हुई रहा है, सभा ना हुई मानो बीवी घर छोड़कर भाग गई हो सालों की, तिलमिलाए जा रहे हैं तब से, पता नहीं का बवाल है। अरे मेले का समय है, पर्यटकों की भीड़ लगी है,
जीवन का आनंद लो, घर बैठो, खुश रहो, जबरदस्ती तर्क वितर में घुसे जड़ों की तरह। ए जादव, तुम क्या करोगे, जमीन बेचोगे का? हाँ दे देंगे यार, जिसे ये लोग बोलेंगे उसे दे देंगे, बेच देंगे। अब इतना बोले रहे हैं तो साला सही होगा। ओ वैसे भी इस गांव के पास और कौन सा उपाय है? हम तो भाई बस मेला देखने आ जाते हैं इस गांव में, बाकी अपना क्या, शहर में रिक्शा मस्त चल ही रहा है। ए, 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 सरू, ए। हाँ, का बात रे, बड़ा चुप बैठा है तू आज। सोच में पड़ा था, लेकिन ध्यान दिया जाए तो एक मित्र की खामोशी भी। अरे यार चुप कर जा ससुरा, जब भी बोलता है साला गोबर टपकाता रहता मुझे पचक पचक पचक। तो मैं कह रहा हूँ कि आप सिक्के के दोनों पहलुओं को परखें और फिर अपना फैसला लें। अब जो तुम इतने समझदार हो ही तो बता दो अपने जमीन का क्या करोगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे जवाब से प्रभावित हों, पर अगर आप सबको जानना ही है तो हाँ, मैं निर्माण योजना में भरोसा करता हूँ। गांव की चलती हालत को देखते हुए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये योजना गांव के सुखी भविष्य के लिए जरूरी है। अरे अपनी आंखों पे लगा काला चश्मा हमारी आंखों पे ना फिट करो गिरधर बेटा। अरे मैं कोई चश्मा फिट नहीं कर रहा हूँ। अरे बस रहने दो। अरे गिरधर तो नहीं कर आराम से, अर्जुन कुछ गलत नहीं कह रहा है। मौसी वो बात नहीं है, ये बेवकूफ है तो क्या हम भी बेवकूफ बन जाए? अरे इस तरह आवाज ऊंची करने से का साबित होता है? अरे तुम चुप करो, तुम्हारी आवाज ऊंची करते हैं। चलो गिरधर जी रुकिए, अरे आइए बैठिए, अरे शांत हो जाओ, सब शांत हो जाइए। हमें लगता है कि अब सभा समाप्त करने का समय आ चुका है। जो बातें बोली जा सकती थी बोली गई, सभी विचारों पर तुल्य रूप से रोशनी डाली गई है, पर क्योंकि आज भी हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं तो अब आगे क्या करना है इस पर विचार करते हैं। मुखिया जी, मेरा मानना है कि गांव के सभी लोगों को सोचने का एक और अवसर मिलना चाहिए। सुनो सबकी पर करो अपनी। ठीक है बेटा अर्जुन, आज से 3 दिन बाद मंदिर परिसर में आरती के पश्चात महासभा होगी, जहां हम इस विषय के बारे में अंतिम फैसला लेंगे। हाँ हाँ बोलो। अरे कहा तो था कंप्लेन करने को, यही बोलो जो तुम मुझे बोल रही हो। अरे मैं आकर बात कर लूंगा। अरे हाँ यार तुम फोन रखो अभी। हाँ आगे बोलो यार। सर आपने तो फोन साइलेंट पे रख दिया था ना। अरे यार बड़े लोग हैं, एक फोन थोड़ी है अपने सर के पास है। सर इट्स अर्जेंट देन इट्स ओके, मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं यार कुछ नहीं, नेवर ने कॉरिडोर में अपनी कोई एंटीक अलमारी स्प्रे पेंट करना शुरू कर दी, अब वहाँ के लोगों को फ्यूम से प्रॉब्लम हो रही है तो हंगामा खड़ा कर दिया। अब भाई वो बंदा है फिल्थी रिच, बिल्डिंग सेक्रेटरी भी उसका दोस्त, क्या करें यार रोज कोई ना कोई ड्रामा। तू छोड़ आगे बोल। हाँ तो सर अब तक हमने क्या देखा, एक गाँव वहाँ एक प्रॉब्लम और एक प्रपोज सोल्यूशन, और अब देखना यह है कि क्या अर्जुन का यह सोल्यूशन उनकी मदद कर पाएगा। एग्जैक्टली exactly. और अब हमारे जमींदार जी द्वारा आयोजित इस मधुर प्रस्तुति का आयोजन करने जा रहे हैं हमारे अपने पिट्टू शर्मा। अरे वाह, यहां से गुजर आता है, देखिए देखिए, अरे बहुत अच्छा धन्यवाद, पीछे लगा है। अरे पिट्टू, अरे ये अंग्रेज कहां से आ गए रे पापा, हमारे गांव में ये जाना हमें कतई पसंद नहीं है। तेरे शरण आया, तेरे आसरे में ना घबराया,
सर में ना घबराता माता 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 नाचो सब नाचो, रंगों का जुलूस है सुनारगढ़, सबके सब नाच रहे हैं यहाँ। हम ताली पीट रहे हैं, तुम नाचो सब नाचो। रामदयाल काका, आप यहाँ? आप सभा के? वहीं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पहले सोचा एक बार मंदिर होता हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप सभा में जाइए। अरे जल्दी चल, वैसे ही बहुत देर हो गई। हाँ यार, बस आया। चल चल, अरे 11 लोगों को बुला ले। एक काम कर, सबको बुला ले। हाँ, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। बोल जमींदार साहब ने बुलवाया है, वो नारे लगवाने। हाँ भाई सही सही है, ठीक है मैं करवाता हूँ। हम करवाते, निकलेंगे। रामदयाल, ओ रामदयाल, चल मेला चलते हैं, उसके बाद महासभा भी तो जाना है। आजा चल। औरतें घर चली जाए, हम अपने आप से इस मामले का हिस्सा कर लेंगे। अरे अरे, सब धीरज रखो, सभी औरतें अपने घर जाओ। क्या हुआ? रामदयाल काका, क्या रामदयाल काका? नहीं, तू कांप क्यों रहा है? रामदयाल काका ने वो आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या? लेकिन लेकिन क्यों? पता नहीं एग्जैक्टली क्यों। कभी कभी हमारी की हुई छोटी सी चीज किसी की जिंदगी को कितना बदल सकती है। मतलब? रामदयाल की जेब से चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी में लिखा था कि उसने आत्महत्या क्यों की। गरीबी, भूखमरी, कर्ज और लाचारी को इंसान एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। जब सारी हदें पार हो जाती है ना, तब जीवन का हर एक लम्हा एक गाली बन जाता है और इंसान खुद से ही हार मान लेता है। और फिर गाँव में क्या हुआ? रामदयाल की आत्महत्या के बारे में पता चलने पर पूरे गाँव में खामोशी छा गई। लोग उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगे। अगर कुछ दिन पहले निर्माण योजना पास हो जाती तो शायद वो इतना हताश ना होता कि खुद को मार डाले। ये बात वहाँ मौजूद सब गांव वालों के जहन में बैठने लगी थी। रामदयाल के सीने पे शहीद का तमगा जड़ दिया गया। सब गांव वालों ने निर्माण योजना के लिए हामी भर दी। अरे रामदयाल ने कोई आत्महत्या नहीं करी, उसे मारा गया है, और उसके कातिल हो तुम सब। तुम सब लोगों की वजह से घर उजड़ गया। आज एक ने जान दी है, कल लाचार होके चार और मरेंगे। और कितने भाई खोना चाहते हो तुम लोग? अरे ये कोई समय ये बात करने का है? टाल दो, आज फिर से टाल दो, और कुछ दिन बाद यहाँ फिर से एक लाश देखना,
एक और मजबूर किसान की। सही कह रहे हैं, मेले के खत्म होने के बाद कौन सा साधन बचता है हमारे पास, यही सही समय है। हाँ अरे हाँ, और डरने की क्या बात है, अर्जुन भैया तो है ही अपने साथ। हाँ पर अब और कुछ नहीं, आ जाओ अपना हस्ताक्षर करो, अंगूठा मारो और बन जाओ इस योजना का हिस्सा। अरे याद रखो, जब तक सब तक मिलके यहाँ पे हाँ नहीं कहेंगे ना, तब तक हमें सारी जमीन नहीं मिल पाएगी और कोई मिल नहीं बन पाएगी। अब या तो तुम्हारे हाथ में ये नीली स्याही होगी या फिर राम दयाल का खून। पता ही नहीं क्यों किया, एकदम से क्या हो गया। कुछ दिन पहले मैं तो मरते तो नहीं कम से कम। अर्जुन, गांव वालों को और खुद को दोष मत, लो पानी पियो। अगर राम दयाल ने कमजोर लम्हे में कोई गलत फैसला लिया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अर्जुन बेटा, जब अंधेरा सबसे घना हो जाता है तो समझ लो कि सुबह बस आने ही वाली है। तुमने वैसे भी मेले के आयोजन और निर्माण योजना के लिए इतनी मेहनत की है, तुम अपने दिमाग से ऐसे ख्याल हटा दो। आज अगर गांव में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। हाँ अर्जुन, तुमने इतने अच्छे से योजना का प्रचार किया है कि अब कोई भी जाकर इस योजना के खिलाफ बोलेगा तो लोग नहीं सुनेंगे, इतना विश्वास करते हैं सब तुम पे। और ये सब इस मेले की वजह से, इसे बंद मत होने दो। तुम एक काम करो, तुम गुंजन जी को मेला दिखाओ, आयोजन की चिंता छोड़ दो, वो सब लड़के लोग देख लेंगे। मुझे शहर जाना है, शाम को कुछ काम है, तैयारियां करनी है, इसलिए चलता हूँ। चल अर्जुन, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, तुम्हें कहां पता है, पर मैं रोक तो सकता था ना। अरे बस थोड़ी देर पहले ही मुझसे मिले थे काका, और मुझे तो लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक बार माँ के आखिरी दर्शन तो करवा दो। राम दयाल कोई बुजदिल नहीं था जिसने डर कर आत्महत्या की, वो तो एक शहीद है जिसने अपनी जान देकर आप सबको जागरूक किया है। राम दयाल की वजह से आज ये सच सबके सामने आ गया है कि सुनारगढ़ को निर्माण योजना की कितनी ज्यादा जरूरत है। वक्त हो गया तो अब शहीद राम दयाल को उसकी अंतिम यात्रा पर ले जाया जाए। हम सब और जमींदार जी उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो भाई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो तुम्हें कहाँ पता था कि ये सब होने वाला है, तुम तो वैसे भी उस वक्त वहाँ नहीं थे, और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, और जब तक कुछ कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी। अर्जुन, अरे अर्जुन तुम यहाँ हो, अच्छा हुआ जमींदार साहब आपने कुछ कागजात मंगवाए थे, शहर निकल गए ना। हाँ वो उस खाने में रखे होंगे, रुको मैं देता हूँ। रुको तुम बैठो, अर्जुन मैं देखती। यही है? हाँ निर्माण योजना यही है। रुको रुको एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये पेज पलटो। हाँ क्या ये, हुआ ये नाम निर्माण इंडस्ट्रीज, मैंने कहीं तो पहले सुना है, कहां सुना है? मिले नहीं कागजात अभी तक। हाँ यही है। कुमावत, अर्जुन भैया की तो शायद तबीयत खराब है, तुम गुंजन जी को मेला क्यों नहीं दिखा आते? नहीं जमींदार जी, मैं और मेरा कैमरामैन खुद ही। आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही हैं गुंजन जी, सुनारगढ़ की मेहमान हैं आप, आराम कीजिए, घूमिए फिरिए, गांव के इन झमेलों में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हैं? क्यों अर्जुन? जी जमींदार जी, कुमावत तुम रहने दो, मैं गुंजन जी को बाहर मेला दिखा दूंगा, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलते हैं गुंजन जी, जय माता दी।
चलें। अच्छा आप कुछ कह रही थी ना? कब? अंदर फाइल पढ़ते समय। नहीं बस ये जमींदार जी का पूरा नाम धर्मवीर सिंह चौधरी है क्या? हाँ क्यों? ये गांव के सब लोग जमींदार से इतना डरते क्यों हैं? किसने कहा डरते हैं? उनकी इज्जत करते हैं। जमींदार जी ने गांव के लोगों की बुरे वक्त में मदद की, कर्जा दिया, मेले का आयोजन करवाया और अब निर्माण योजना। हाँ यही निर्माण योजना। हाँ तो जितने आसान तरीके से तुम्हें इस योजना के बारे में जमींदार ने बताया उतनी आसानी है नहीं। मतलब? वो फाइल जो जमींदार जी लेकर गए उसमें मैंने देखा निर्माण इंडस्ट्रीज, उन्हीं को बेच रहे हैं ना जमींदार ये सारी जमीनें। हाँ मुझे पता है, पर तुम कहना क्या चाहती हो? कि निर्माण इंडस्ट्रीज कॉटन और केमिकल्स के लिए तो फेमस है ही, उसके अलावा इन पर दर्जनों केस चल रहे हैं, लैंड एक्विजिशन फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। शहर में मंजूरी नहीं मिली तो शायद ये लोग गांव के इन मासूम लोगों की जमीन हड़पना चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जमींदार जी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, उन्होंने कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ के ही लिया होगा। अर्जुन मैं इस मामले के तह तक जा चुकी हूँ, मैंने ही अपने चैनल के लिए ये स्टोरी कवर की थी और सारा शहर जानता है कि निर्माण इंडस्ट्रीज का नाम कितना खराब है। ऐसे में कोई भी समझदार इंसान अपनी सारी जमीनें इन इंडस्ट्रीज के नाम क्यों ही करेगा? Unless he has some personal benefit, कोई तो निजी फायदा होगा उनका। बस कुंजन, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। जमींदार साहब और मैंने मिलकर इस गांव के विकास के लिए ही इस योजना का प्रस्ताव रखा था। जमींदार साहब को इससे क्या ही फायदा होगा, बल्कि उन्होंने तो सबके हित के लिए मेले का आयोजन भी करवाया। तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मेले का आयोजन गांव के भले के लिए किया है? क्या पता इससे वो लोगों का विश्वास जीतना चाहते हो तो? वो उन्हीं के आदमी थे ना जो महासभा में योजना के नारे लगा रहे थे, रामदयाल के मरने के बाद लोगों को भड़का रहे थे, उनके भड़काने पर ना जाने कितने लोगों ने अपना फैसला बदल दिया है। अर्जुन वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि जमींदार साहब इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। अरे कितने सालों से उनके साथ हूँ, मैं जानता हूँ मैं उन्हें। उनके साथ मैंने ही मेले का आयोजन करवाया, योजना का प्रचार करवाया। इस गांव में शायद ही कोई है जो उनसे बढ़कर यहाँ के लोगों के हित के लिए सोचता हो। अर्जुन तुम बस काकी काकी जितना खत्म हुआ कमला, अब तो खुशियों से घर पर भूल जाओगे। काकी जी संभालिए खुद को। सोचा था अब जिंदगी सुधर जाएगी, रोजगार मिलेगा, धीरे धीरे कर्जा भी उतर जाएगा। कल की बात है, कितने दिनों बाद खुश देखा था उन्हें, कानों को मीटरिंग कराने की बात कर रहे थे और फिर ये अचानक। काकी रामदयाल काका योजना के हित में चिट्ठी पढ़ के तो लगा कि कर्जे के कारण बहुत परेशान थे और तनाव और लाचारी में उन्होंने। कौन सी चिट्ठी बेटा? वही जो काका की जेब में मिली थी, शायद आप नहीं थी वहाँ। उन्होंने उसमें लिखा था कि वो बहुत तकलीफ में हैं और। कैसी बात कर रहे हो बेटा, उन्हें कहाँ लिखना आवे था क्या? लेकिन काकी मैंने पढ़ी है वो चिट्ठी, काका को कितनी बार लिखते हुए भी देखा है मैंने। जमींदार के कर्जे की मासिक किस्त पर मैं खुद उनका हस्ताक्षर लिया करता था। हम जैसों को कहाँ लिखना पढ़ना आवे बेटा, वो तो खाना ने हस्ताक्षर करना सिखाया तो कागज पर अपना नाम लिख लिया करते थे। हमारी बिरादरी में तो अपना नाम खुद लिखना भी बड़ी बात है। तो फिर वहाँ मौजूद लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि शायद किसी को पता ही नहीं चला, आज तक काका को किसी ने अपने नाम के अलावा कुछ लिखते देखा ही नहीं था। अर्जुन बेटा हमें तो कुछ नहीं पता, हमारा तो सब कुछ छीन लिया। काकी आप हिम्मत नहीं रखेंगी तो काका को कौन संभालेगा? अर्जुन समझाओ ना इन्हें। अर्जुन हाँ गुंजन, रात हो गई है, तुम काकी को घर ले जाओ, मैं चलता हूँ अभी, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ? मैं कल सुबह तुमसे मिलता हूँ। अरे बट अरे दस्तखत के कागजात देना, रामसरे को बोलो कि इस पर जल्द से जल्द एक उठा लगाए।
हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। अरे अर्जुन आओ, तो हम बस निकल नहीं। आपने मुझे निर्माण इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों नहीं बताया? हमें सब पता तो है ही, गांव वाले उन्हें जमीन देंगे जिस पर मिल लगेगी, रोजगार बढ़ेगा और क्या। लेकिन सुनारगढ़ में ही क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को जरूरत है रोजगार की। मदद उन्हें चाहिए या आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? शहर में मिल लगाने की मंजूरी नहीं मिली तो आपने गांव वालों की जमीन बेच दी। अर्जुन, इस बारे में हम बाद में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, अभी हमें जल्दी है मीटिंग के लिए निकलना है। ललन, गाड़ी निकाल। आप बात के बिना नहीं जा सकते यहाँ से। साथ में रहकर बात करो ललन। हाँ तो अर्जुन, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे मिल खड़ा करने का आपका यह फैसला सही नहीं लगता। अच्छा, होश में तो हो? पहले नहीं था लेकिन अब आ गया हूँ। गांव में मिल नहीं लगेगी। पूछ सकते हैं ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? गुंजन जी ने मुझे निर्माण इंडस्ट्रीज की सच्चाई बता दी है। खून पसीने से जोती गांव वालों की जमीन मैं उन दरिंदों के हाथ नहीं जाने दूंगा। ओह, तो अब हम दरिंदा बन गए हैं तुम्हारे लिए? कल तक तो जी जमींदार जी, हाँ जमींदार जी, कल की लौंडिया ने तो बातें क्या कह दी। इस छोटी सी बात पर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? मतलब आपको पता था सब कुछ? क्यों रखा मुझे अंधेरे में? गांव के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इस योजना से। हमारी जमीन हमारा घर है और आप हमें बेघर करके कौन सा भला करना चाहते हैं? हम किसी को बेघर नहीं कर रहे अर्जुन, हम तो तुम्हारा घर आबाद कर रहे हैं। जहां दूर का फायदा हो वहां नजदीकी नुकसान उठाना ही पड़ता है। ये देखो, हमने मिल में एग्जीक्यूटिव मैनेजर का ओहदा तुम्हारे लिए ही रखा है। तुम गांव की चिंता छोड़ो, यहां जो खुद का है पूरी दुनिया उसी की है। आपको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? कहां मैं आपको देवता समान मानता था और आप कहां ऐसे नीच खुद कर्ज निकले। पता नहीं कौन करो घड़ी में। हम कब से खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी पकड़ चले जाओगे। इस गांव की बंजर जमीन से सोना निकाला है हमने। यहां के लोगों के घर खुशियों से भरे हैं। ये गांव हमारा कर्जदार है। यहां की जमीन पर हमारा हक और लोगों पर हमारी ही हुकूमत होगी। यहां क्या होगा क्या नहीं ये तू कल का छोकरा सिखाएगा। तू है कौन? कौन है तू? मेरी ही फेंकी हुई रोटी पर पलने वाला कुत्ता है तू। जब तक पेट भरा तब तक तुम हिला के आता था मेरे पीछे, आज मेरे ही मुंह पर भौंक रहा। क्या करेगा चल बता। मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगा, उन्हें आपका असली रूप दिखा दूंगा, इस योजना का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा मैं। जा, जा भाग, चीख और बता सबको सच क्या है। योजना के खिलाफ हो जाएंगे लोग। चल माना हो गए तो क्या, ना पानी ना उपज, दौड़े दौड़े आएंगे मेरे पास कर्जा मांगने, तब क्या करेगा? हाँ, गांव की सारी जमीन अपने पास गिरवी रख लूंगा, कुछ साल और मर मर के जीने के बाद अपने आप सब योजना के पक्ष में हो जाएंगे। जब कुछ और रामदयाल मरेंगे ना तब अकल आ जाएगी सबको। क्या मतलब? रामदयाल काका को आपने? हर शुभ काम शुरू करने से पहले माता को बलि चढ़ानी पड़ती है। रामदयाल की जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं, मर कर भी काम आ गया सारा। जबान संभाल कर। रामदयाल काका के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की तूने? उनका कत्ल करवा कर सारे गांव के सामने निकलाना तो गर्दन कटवा कर मंदिर के सामने लटका दूंगा। गांव के सुनहरे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। घर में बिजली होगी, पानी होगा। निर्माण योजना का समर्थन कीजिए और प्रगति का हिस्सा बनिए। यो तो भला हो अर्जुन का, यो योजना गांव का भला ही चाहे। हमारा घर तो हाथ ही कम होता आज। जब सारा गांव हाथ में चला गया तो तालिब शहर वालों जैसा ही खूबसूरत है मेरा गाँव। बाप दादा की जमीन यूं किसी के हाथ करके नौकर बन जाएगा उसके? अपना वही जो आवे गांव। गांव वालों ने कभी परिवार की कमी महसूस ही नहीं होने दी। तो यार गांव में
हम तो अब आगे ठहरे गांव की नहीं, गांव की जमीन भी छीन ले। बंजर जमीन एक बोझ की तरह होती है गिरधर जी। इस गांव में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा। जी जमींदार भी कौन नीचे फायदा उठा रहा होगा इससे? शायद ये लोग गांव के मासूम लोगों के। सिक्के के दोनों पहलुओं को परखें और फिर अपना फैसला लें। सारा शहर जानता है कि निर्माण इंडस्ट्रीज का नाम। ये गांव हमारा कर्जदार है, यहाँ की जमीन पर हमारा ही हक है। अरे, अरे भैया वो मेले में वो रामदयाल का हमारी ही फेंकी हुई रोटी पर पलने वाला कुत्ता है तू। मैं गांव वालों को आपका असली रूप दिखा दूंगा। भाग चीख और बता सबको सच क्या है। जब कुछ और रामदयाल मरेगा तब अकल आ जाएगी सबको। मैं निर्माण योजना में भरोसा करता हूँ। रामदयाल के क्या कर लेगा? उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। आपने निर्माण इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों झूठ बोला? गालियाँ भी तू ही खाएगा। मुंजन जी ने मुझे सब सच अगर बता दिया। खुद भी जाकर इस योजना के खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। इतना विश्वास करते हैं सब तुम। चुप हो जाओ, चीख क्यों रहे हो? क्या क्या? अरे चुप, समझ नहीं आता क्या? चिल्लाओ मत। कौन चिल्ला रहा है? अरे मन ही मन इतना चीख चिल्ला रहे हो, सब सुनता है मुझे। चुप हो जा। और कर भी क्या सकता हूं मैं अब? वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम चुप रहो, चिल्लाओ मत। आप सोए क्यों नहीं अब तक? तपस्या कर रहा था। अच्छा। और वैसे भी नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर गिर जाते हैं। लगता है काफी देर से कर रहे हैं तपस्या। तुम भी आओगे? जी नहीं। आपने शादी क्यों नहीं किया? धीरे बोलो, वो जाग जाएगा। आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? हम साधु हैं। आजकल तो साधु संगति सबसे ज्यादा रंगीन होते हैं। क्या हुआ? आज उस जमींदार की रट नहीं लगा रखी? अरे कुछ नहीं, जाने दीजिए। कुछ तो है, मन ही मन कोस रहे हो किसी को, इसलिए चिल्ला रहे हो। कितनी बार बोला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। किसी और को नहीं, खुद को कोस रहा हूं। और मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि जमींदार ने मुझसे और पूरे सुनारगढ़ के साथ धोखा किया। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि आज से मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इतनी जल्दी हार मान गए? नदियों से सीखो सब्र का पाठ, कोई जल्दी नहीं है, एक ना एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे। नदियों के पास रास्ते होते हैं, हमने तो खुद को ही कैद कर लिया है। अब तो कुछ खोने को भी नहीं बचा हमारे पास। एक इंसान सबसे तेज वार तभी करता है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। खुद तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और मुझे चुप रहने को बोलते रहते हो। अरे कौन है जो जाग जाएगा? देश सो रहा है, सोने दो, ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ, जाग जाएगा। मैं अकेला कर भी क्या सकता हूँ? क्या औकात है मेरी उस जमींदार के सामने? It's not about the size of the dog in the fight, it's about the size of the fight in the dog. और वैसे भी तुम अकेले कहाँ हो? मतलब देखो,
कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम सब लोगों को कभी कभी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सभी लोगों को हर बार बेवकूफ बना पाए, समझे? एक चिंगारी लगा दो, थोड़ी सी आग जला दो, फिर देखो सुनार गण में हवन कंड। जो इंसान सो रहा होता है उसे जगाया जा सकता है, पर जो इंसान बस सोने का नाटक कर रहा हो उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। तो उन्हें सपने दिखाना शुरू कर दो, नींद में तो सपने देखते ही होंगे ना। मतलब? समझ जाओगे तुम मतलब। सोना। हमें भी सोना है, सब सोते हैं सुबह सुबह, चिल्लाओ मत। अरे मूरख, 1000 टन सोना यहाँ सुनारगढ़ में। मुखिया जी, वो बाबा सुबह से शोर मचा रहा है। अरे ऐसा क्या हुआ, चलो देखते हैं, मौसी को बोल दो वही आ जाए। मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो गई है, जल्दी करो सब। सोना, सोने का शोर मचा है पूरे गांव में। अरे दातुन बाद में कीजिएगा, चलो चलो हम तो चले। वो आए थे बोले कि नवरात्रों के आखिरी दिन जब ये आसमां सितारों से जगमगाएगा, हवाएं इस खामोशी को खत्म कर देंगी, जब पूरी दुनिया नजर गड़ा कर देखेगी, जब देवी माँ हम पर प्रसन्न होंगी, तब सुनारगढ़ की धरती सोना उगलेगी। अरे कौन आया था बाबा, कहीं सुबह सुबह ही तो आपने। जोर से मत बोलो, अब वो आ गए हैं वापस, सब सुधर जाओ। अरे किसकी बात कर रहे हो, कौन है ये लोहार? कौन? वो रामधारी, पर वो तो अपनी दुकान बंद करके शहर चला गया ना। राजा लोहार सिंह। कहाँ है राजा लोहार सिंह? कल रात को आए थे गुफा में, हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लेकर, सफेद घोड़े पे सवार, भारी सी आवाज में बोले, अब वक्त आ गया है सुनारगढ़ को उसकी धरोहर, उसकी अमानत लौटाने का, जिसकी उन्होंने इतने साल रक्षा की। क्या बोल रहे हैं, नवरात्रों के बीच ऐसा सब दिखाई देना, जरूर कोई मतलब है इसका। आप जरूर किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहे होंगे। पूरा तो बता दिया, अब भी समझ नहीं आया तुझे? बात तो पूरी सही बैठ रही है, राजा लोहार सिंह की वीरता की कहानी तो हम सबको पता ही है। मैं ना कहता था रे किरदार, महाराजा लोहार सिंह जरूर एक दिन वापस आ जाएंगे। अरे चैत्र की चौतरती के दिन आखिर भविष्यवाणी पूरी हो ही गई। वारे अम्बे वारे अम्बे वारे अम्बे। पकड़ो भाई उनको। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, सपना आ गया, सपने में किसी ने कुछ बोल दिया तो निकल पड़े गला फाड़ते हुए। अरे जाओ भाई सब अपने अपने घर जाओ। अरे ये क्या बोल रहे हो अर्जुन बेटा, राजा लोहार सिंह के बारे में तो तुम्हें पता ही है। सब किस्से कहानियाँ सालों से चलती आ रही हैं, हर पीढ़ी गुजरने के साथ कहानी में और मसाला लगता गया, और अब इन्होंने मसाला लगा दिया, बस और कुछ नहीं है। अरे नहीं, जरूर इसका कुछ मतलब है। हाँ, बाबा ने कहा कि राजा लोहार के हाथ में हथौड़ा था, और कल रात मैंने भी हथौड़े की आवाज सुनी थी। हाँ, शायद सपने में ही कहीं कुछ। ये लो एक और आ गए। पिछले कुछ दिनों से मंदिर में भी दीवारों पर मुझे अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं औजारों के। कोई तो है जो लोहा पीट रहा है। अच्छा, चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कुछ दिख रहा है, इन्हें कुछ सुन रहा है, तो क्या करेंगे अब? बताइए ना क्या करेंगे। नहीं बोलिए, बताइए। नहीं, एक काम कीजिए कि ये बात आप सबको जाकर बताइए। मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि उन्हें भी ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा होगा और कुछ दिखाई दे रहा होगा। अरे हद होती यार बचपने की, एक को सपना आ गया है और देखो। हाँ सही कहा, अब सबको बताएंगे। क्या बताएंगे? महाराजा लोहार सिंह गांव में वापस लौट आए हैं, सदियों पुरानी भविष्यवाणी सच हुई, अब फिर
राजा सुनारगढ़ उनकी छत्र छाया में आ जाएगा। उसने बोला कि खजाने को उसके असली मालिक को देने का, इस देश की जनता जिनकी संपत्ति को रक्षा कर रहा है, इस वक्त हमें खजाने की जरूरत है, वो वापस आ गया है, लोहार आ गया है। उसने बोला कि अब समय आ गया है खजाने को उसके असली मालिक तक पहुंचाने का, इस देश की जनता जिनकी संपत्ति की रक्षा वो कर रहा था, इस वक्त हमें इस लोहार सिंह की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो इसने सदी की सबसे बड़ी खोज माना जाएगा। 1000 टन सोना अगर सुनारगढ़ की जमीन के नीचे दबा हुआ है तो सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? सुनारगढ़ के नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई पड़ी है। उनका मानना है कि इस खजाना देवी माँ के प्रसन्न होने पर प्रकट हुआ है। वो इस अद्भुत नजारे को अब अपने सामने संपन्न होते देखना चाहते हैं। बहुत से धर्मगुरु और महर्षि साधु संतों ने इस कहानी की पुष्टि की है और सरकार से आवेदन किया है कि सुनारगढ़ में खजाने की खोज शुरू की जाए। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पवित्र स्थल के दर्शन के लिए इस गाँव में आने का फैसला लिया है। अरे भैया शांत हो जाओ, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, देखे क्या होता है। मुख्यमंत्री जी का बात बता रहे हो भैया? हमने देखा राजा लोहार सिंह को, रात में आए थे, ये बड़ा हथौड़ा उनके। Sir, there is definitely some kind of There is definitely some kind of non-magnetic metallic substance present within this point, you know. Make a report, send a copy to me and one to the headquarters. Make it quick. हाँ तो जमीन में कुछ तो धातु है, अब खुदाई करने पर ही पता चलेगा कि क्या है। मतलब जमीन में सोना है, लोहार सिंह का खजाना मिल गया, खुशियाँ मनाओ, ढोल बजाओ। पैसा मिलेगा। अभी अभी ताजा जानकारी मिली है कि सरकार ने आदेश दिया है सुनारगढ़ में हजारों साल पुराने राजा लोहार सिंह का खजाने को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू कर बस होने ही वाली है। Following the orders from the government, the Archaeological Survey of India has completed its survey and the head of ASA has announced the excavation in Sunargarh. Puri duniya is waqt Sunargarh pe aake gadai baithi hai. Kya ye khazana hamesha ke liye Sunargarh ke logo ka jeevan badal dega? A team of engineers and workers have been deployed to Sunargarh for starting the excavation. More man force to follow soon. Taza jankari ke hisab se sarkar ne aadesh diya. Sir, it's impossible to do this excavation. It's impossible to do this excavation. This place is hell. पानी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। वी नीड टू सेट अप अ बेस कैंप फॉर अ टीम हियर। सर जो भी हो, सुनारगढ़ में जल्द से जल्द फैसिलिटीज शुरू की जाए। द होल मीडिया इज हियर, द वर्ल्ड इज वॉचिंग एंड वी कैन नॉट डिले द टास्क बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दीज बेसिक नेसेसिटीज। अरे शांत रहिए, शांत।
सुनिए गिरधर जी, मुझे लगता है कि हमें अर्जुन की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। धन्यवाद मुखिया जी। देखिए, सच बोलूं तो मैं लोहार सिंह के वापस आने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इस बात से गांव में जिस प्रकार इतने कम समय में इतनी तरक्की हो रही है, उसे देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। हाँ अर्जुन बेटा, और यो सब हुआ है राजा लोहार सिंह के कारण। हमारे गांव के देवता हमारे गांव लौट ही आए। मौसी बिल्कुल सही कहा, अब जो लोहार सिंह जी आ ही गए हैं तो हमारे खेतों की भी फसल दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाएगी, और अब किसी को जमीन भी नहीं देनी पड़ेगी। लो फिर आ गए योजना के मुद्दे बने। काहे ना है? योजना का मकसद था गांव का विकास और बदलाव। लोहार सिंह के आ जाने से गांव में बदलाव ही तो हो रहा है। अब क्या जरूरत है योजना की है? बोलो मासी, अब क्या साफ सुन गया आपको? हाँ भाई, बात तो गलत नहीं है। योजना की वजह से जो भी बदलाव होने थे वो तो हमारे राजा जी के आने से भी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हम में से बहुत लोगों की जमीन के कागजात जमींदार के पास हैं। अगर इस योजना की जरूरत नहीं है। बेटा, योजना तभी पास होगी जब हम सभी अपनी सारी जमीन दे देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो गाँव वालों की जमीन कहीं नहीं जाएगी, उनके पास ही रहेगी। वैसे बेटा, ये जमींदार जी कहाँ है? आए नहीं सभा में? ये फैसला हमारा है मुखिया जी, हम गांव वालों का। हमें किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए। जमींदार जी अगर यहाँ नहीं है तो ये उनकी गलती है। तो मसला वापस से इस बात पर आता है कि क्या ये अब भी हमें इस योजना की जरूरत है या नहीं? जब से राज्य के मुख्यमंत्री जी ने गांव में आने की घोषणा की है, तब से इस गांव में इतनी तेजी से सड़क बनने लगी है कि पूछो मत। दूसरे राज्य की नदी से पानी यहाँ तक लाने को नहर बन रही, बिजली के लिए खंभे गड़ रहे, शहर से गांव तक की पक्की सड़क बन जाओगी तो आने जाने और डाक की सुविधा भी तो हो जाओगी। सही बात तो माननी पड़ेगी कि भविष्यवाणी के पूरा होने से बहुत गांव वालों को काम मिला है। एक बार पानी बिजली की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाए तो अस्पताल बनने में भी देर ना लगे, और फिर शहर से व्यापार करने के साधन भी खुल सकते हैं। अरे सरला, तूने तो बड़े आगे का सोच लिया रे। सही कहा सरला जी, शहर से बिजली की तार भी आजकल में आ जाएगी, और कुछ महीनों बाद गांव की जमीन में नहर का पानी आने से यहां के चंपानल भी काम करने लग जाएंगे। अब मुखिया जी, तो ये बताओ कि उस जमीन से निकला सोना मिलेगा किसको? अरे गांव वालों को और किसको, जमीन गांव की है तो सोना भी तो हम ही को मिलेगा है। क्यों भाई? एक बात सुन लीजिए सब, इस जमीन पर हमसे पहले राजा लोहार सिंह का अधिकार है, क्योंकि वो पूरे राज्य के राजा थे। तो हमें लगता है कि हमें ये सोना राज्य की सरकार को ही देना चाहिए। इस सोने का प्रयोग गांव की प्रगति और भलाई के लिए ही होगा। मैंने जिला परिषद से इस बारे में बात कर ली है, कल मुख्यमंत्री जी भी इस बात का आश्वासन आप सभी को दे देंगे। भला ओरे भैया, पक्का फैसला लिया है आपने, हम सभी को यो बात माननी चाहिए। पर मासी, जमीन का कहा? उसकी चिंता तुम ना करो, हम सभी जमींदार के घर जाकर अपना फैसला बता देंगे। अरे हाँ, तो बात यहीं खत्म कर दो ना। सही कहा आपने, बस बात यहीं खत्म करो। हम बोल रहे हैं आप कोई जमीन वमीन का ये किस्सा करना ना कोई काम का नहीं है, तो जाके अपनी अपनी जमीन वापस ले लेते हैं उस जमींदार से। कहे तो राजा लोहार सिंह जी के नाम कर दे अपनी जमीन। बोलो मौसी। हाँ रे, हमारा तो सब कुछ राजा जी को अर्पित है, वही है हमारे फरिश्ता। भाई वाह, तो बोलो राजा लोहार सिंह जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मालिक, वो किसानों ने तो अंगूठा लगाने से भी मना कर दिया है, और अब खेतों में जाकर बैठ गए हैं, हट नहीं रहे। बैठो, खड़े क्यों? बैठो बाबू। जी मालिक। पूरा नाम क्या है? जी संतोष कुमार। तो संतोष, कितने पढ़े लिखे हो तुम? जी चौथी फोर्थ कक्षा तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? मेरा बाप मर गया था, पढ़ने का पैसा नहीं था। शहर तुम गए नहीं, काम धंधा कुछ करते नहीं हो, खेती जो यहाँ कर रहा है वो भूखा मर ही रहा है, और तुम्हें देखो किसी चीज की कमी नहीं, खाना नशा पानी सब बराबर। बताओ कैसे? सब आपकी कृपा है मालिक। मैंने धर्मशाला खोल रखी है तुम लोगों के लिए, इसमें मेरा क्या फायदा तुमसे? आपके लिए जान दे देंगे मालिक। जान नहीं चाहिए तेरी, मर के क्या ही काम आएगा तू मेरे? कुत्ते की जगह रखा है तुझे मैंने, और मुझे पसंद है कि मेरे बिल्ले मेरे इशारों पर झपटे काटे और चुपचाप बैठ जाए।
पांच दिन पहले गांव के बच्चे बच्चे के मुंह पर निर्माण योजना का नाम था। जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब फरिश्ता है। कुछ वक्त के लिए शहर क्या गया, यहां सब बदल गया। कल तक मेरे ही पैसों पर पलने वाले लोग आज मेरे ही खिलाफ जा रहे हैं। गांव वाले उसे राजा लोहार सिंह का अवतार मान रहे हैं, गांव की सारी परेशानी अब अपने आप दूर हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं सब। लोहार नहीं है कोई लोहार, गलती मेरे ही कुत्तों की है, क्योंकि चौथी तक पढ़े एक डेढ़ सयाने ने अपनी औकात से ज्यादा कर लगा दी। मालिक मालिक एक मौका और दे दीजिए, निराश नहीं करेंगे आपको। अच्छा सोच ले, आपके लिए तो जान दे देंगे मालिक। चुप बैठ, अगर एक शब्द भी और बोला तो तेरे घर पहुंचने तक तेरे घर जगह नहीं। मेरे साल भर की मेरा सपना, ये योजना किसने बर्बाद किया? उस लोहार ने। कोई राजा वापस नहीं आया है, ये सब गांव में से किसी ना किसी का किया धरा। अब तेरा काम है गांव में जा और उस सुअर के बच्चे को ढूंढ कर ला, और सुन उस अर्जुन की पूरी खबर रख, उस दिन बहुत शोर मचा कर गया था सर, ये सब उसी का किया धरा लग रहा है। गांव के एक एक चप्पे का छान मारो, आज राजा लोहार सिंह का दरबार लगेगा। अब हाथ में आया ना, ढूंढो साले को, यही कहीं होगा। अर्जुन ये कहाँ जा रहे? अरे अर्जुन भैया, अर्जुन ये पकड़ो से, मार चले, अर्जुन अर्जुन भैया दिखा दिखा सर, पकड़ को। पता चलेगा इसे मार का स्वाद, मार साले को, बांध इसे रस्सी से और दिखा पूरे सुनारगढ़ को कि क्या होता है उनके साथ जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। बांध इसे गले में, बांध इसे, कुत्ता बना इसे मालिक का। एक इंसान को नकाब दे दो तो वो अपना असली रंग दिखा ही देता है। अर्जुन ने कोशिश तो की कि सुनारगढ़ की तकदीर बदल दे, पर उसका तरीका अलग था और इस तरीके की वजह से उस पर सवाल उठने लगे और अब कोई खजाना भी नहीं होगा। सुनारगढ़ एक ही झटके में वापस उसी दौराहे पर आ गया था। अर्जुन ने तो बस सुनारगढ़ के भले के लिए सोचा था, लेकिन जमींदार ने न जाने उस पर कितने इल्जाम लगा दिए। अब सुनारगढ़ की नज़र में अर्जुन
वो अर्जुन नहीं रहा था। पर उसने तो ये सब इसलिए किया था ताकि गांव में निर्माण योजना आ पाए, जिसमें वो कामयाब भी हुआ, पर बस कुछ समय के लिए। अब फिर से गांव के पास कोई सहारा नहीं था, तो अर्जुन ने ठानी कि वो उन सबको उनकी असली ताकत का एहसास करा कर देगा, इसी दिक्कत को हमेशा के लिए हटा देगा। जिसका नाम आज सुनारगढ़ के हर पाशिंदे के मुंह पर है, उसका नया नाम आया कहां से, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपको नहीं पता, बहुत पुरानी कहानी है। आज से हजारों साल पहले सुनारगढ़ में एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य का आतंक था। वो कभी भी गांव में घुस आता और सब कुछ तहस नहस कर देता, गांव के बाजार लूट लेता, सारा अनाज और फसल बर्बाद कर देता। जाते जाते वो गांव में किसी एक इंसान को उठाकर ले जाता। उसके बारे में यह कहा जाता था कि उस दैत्य को कोई नहीं हरा सकता। वो इसी तरीके से बहुत से गांव वालों की जान ले चुका था। पूरा गांव दहशत के साए में जी रहा था। फिर एक दिन गांव के मुखिया ने एक तरकीब निकाली। उसने उस नरभक्षी दैत्य से एक समझौता किया और कहा कि बिन बुलाए गांव में आकर तबाही मचाने की बजाय वो हर महीने एक बार गांव के बाहर आकर आवाज लगाए और गांव में से कोई एक इंसान खुद उसके पास आ जाएगा। इससे उसका भी वक्त बचेगा और गांव में भी तबाही नहीं होगी। नरभक्षी दैत्य ने इस पर विचार किया और कहा कि मामूली किस्म का मांस खा खा कर वो थक चुका है, अब उसे कुछ स्वादिष्ट चाहिए था, अलग स्वाद चखना था। लेकिन वो तभी राजी होगा जब वो लोग गांव के सबसे श्रेष्ठ श्रेणी के इंसान को ढूंढेंगे और उसे परोसेंगे। सबने सोचा कि खुद की जान बचाई जाए और किसी और को बलि चढ़ा दिया जाए। सब लोग गांव में तलाश करने लगे एक ऐसे इंसान की जिसका मांस उस दैत्य को पसंद आए। जान दांव पे थी, इसलिए काम बहुत जिम्मेदारी के साथ किया गया। कद काठी रंग फुर्ती चतुराई हिम्मत और न जाने कितने सारे मापदंडों पर गांव के हर व्यक्ति को जांचा गया, परखा गया और अंतिम फैसला ये निकला कि सभी कसौटियों पर खरा उतर कर आया है सामने गांव का लोहार। वक्त बीता और कुछ समय बाद उस दैत्य की आवाज गांव में सुनाई दी। सब गांव वाले जमा हो गए। लोहार ने अपने सबसे प्यारे कुछ औजार उठाए और निकल पड़ा गांव के बाहर। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोहार तो अभी भी जिंदा था। उसने उस दैत्य से लड़कर उसे भगा दिया था। सब हैरान थे कि ये चमत्कार कैसे हुए, पर लोहार को पूरा मामला समझ आ गया था। आज तक गांव वाले सब इस भ्रम में जी रहे थे कि उस नरभक्षी दैत्य को नहीं हराया जा सकता, पर जाने ही अनजाने गांव वालों ने अपनी परेशानी का हल ढूंढ लिया था। उन लोगों ने अपने ही बीच में से किसी ऐसे को ढूंढ लिया था जो डरता नहीं था, जो उनका नेतृत्व कर सकता था, उनकी रक्षा कर सकता था। लोहार ने सबको पूरी बात समझाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर सब उसका साथ देंगे तो वो उस दैत्य को हरा सकते हैं। उसने कहा कि जब वो दैत्य को वापस बुलाएगा तब उसे वो मारेगा, लेकिन वो सब लोगों को बुलाएगा और उन सबको आना पड़ेगा। वक्त बीतता गया और एक दिन फिर वो दैत्य वापस आया। लोहार ने आवाज लगाई, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। कुछ लोग गांव से बाहर आए और युद्ध शुरू हुआ, पर गांव वाले कम थे और दैत्य बहुत गुस्से में था। लोहार ने फिर से आवाज लगाई, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। और कुछ गांव वाले बाहर आए। अब दैत्य थकने लगा था, उसकी हार नजदीक थी। लोहार को ये समझ आया। ये बात गांव तक पहुंची। गांव वालों को जैसे ही पता चला कि लोहार हरा सकता है उस दैत्य को, तो उसने फिर से आवाज लगाई, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। अब पूरा गांव दैत्य से लड़ रहा था। सबने मिलकर उस दैत्य का मुकाबला किया। अब दैत्य छक चुका था, उसकी हार निश्चित थी। अब पूरे गांव ने एक साथ मिलकर उस दैत्य का खात्मा कर दिया।
ही चुना जाएगा, तभी फायदा होगा। अरे अपना ही भाई है यार, बस एक बार साथ दे दे। इसके पिताजी ने हमारा कितना साथ दिया था, अब हम ही इसे जिताएंगे। अरे हम नीची जात वालों का आखिर कौन ध्यान देगा? अरे चलना, उसकी रैली में मुर्गा और दारू मिलेगी। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझ अकेले से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे ये सब तो ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। सबको एक मैसेज चाहिए होता है ना, अपना फोन निकालिए और देखिए, तो आपको एक मैसेज मिलेगा। सौ सुनार की, एक लोहार की, लोहा गरम है। आप सबको यह संदेश मिल चुका है, देखिए अपने फोन खोलकर।